नमस्कार दर्शकों, मैं नाजमा अब्दी, स्वागत है आपका न्यूज 30 एक्सप्रेस में। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। झांसी के मोट में आज उप जिलाधिकारी समेत संयुक्त टीम ने शराब के ठेकों की ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने खास तौर पर देसी शराब के ठेकों की चेकिंग की। उप जिलाधिकारी राजकुमार के मुताबिक संयुक्त टीम के माध्यम से देसी शराब के ठेकों पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें जिला आबकारी अधिकारी और पुलिस क्षेत्र अधिकारी के साथ पुलिस बल मौजूद रहा, जहां उन्होंने विभिन्न देसी शराब के ठेकों पर अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने देखा कि कहीं कोई मिलावटी शराब, कहीं कोई जहरीली शराब या फिर कहीं जिन्हें बेचने की अथॉरिटी ठेके मालिकों को ना हो और वहां बेच रही हो, जिसका उन्होंने चेकिंग अभियान चलाया। फिलहाल किसी दुकान पर ऐसी कोई अवैध रूप से शराब नहीं पाई गई। ये मोड में हम लोग जो है क्यू साहब हैं और जिला आबकारी अधिकारी के साथ में पूरा फोर्स है। हम लोग जो है जो देसी की दुकानें हैं वहाँ चेक कर रहे हैं कि कोई मिलावटी इस तरह की दारू नहीं है, जो मतलब जो है उनको बेचने का साइज नहीं है ना साइज बेच रहे हैं। मोदी में की जा रही है चेकिंग और कहीं की जा रही है? रैंडम चेकिंग की जा रही है, मतलब अचानक चेकिंग की जा रही है। अभी शासन के भी निर्देश हैं और हम लोग जो है जहाँ भी इस तरह की कोई शिकायत मिलती है वहाँ भी हम लोग जांच करते हैं। तो पूरे तहसील में चेकिंग चल रही है क्या मोदी? पूरे तहसील में चेकिंग करते हैं।